नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इस वीडियो में आज मैं आपको इस गज़ल का पार्ट टू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट वन में मैंने शुरू का म्यूजिक और स्थाई बताया था, और इस पार्ट में मैं स्थाई के बाद जो म्यूजिक आएगा वो म्यूजिक और प्लस अंतरा बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखें। जिस प्रकार आपने पार्ट वन को प्रैक्टिस किया है, ठीक उसी प्रकार इसको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे इस गीत का जो सॉरी इस गजल का जो स्केल है वो F है। ठीक है, जैसे हमारा स्थाई खत्म होता है, स्थाई के बाद हमारा एक म्यूजिक आता है, वो किस प्रकार होगा आइए देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। अगर आपको और भी बहुत सारे गानों के गजलों के नोटेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसका म्यूजिक बजाकर दिखाता हूँ और फिर इसका नोटेशन बताता हूँ। ठीक है, इस तरह ये हमारा बजेगा। ठीक है, और ये प्रॉपर मीटर में है, जो हमारा एक गजल में मीटर एक जो लय क्रिएट होती है उस लय में ये बजेगा। अब आइए इसका सरगम देखते हैं, नोटेशन क्या होगा। इसमें हमारे फ्रेजेस हम बना लेंगे और फ्रेजेस के हिसाब से इसको बजाएंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला फ्रेज ये नीसा धानी सा, नीसा धानी सा, नीसा धानी रे, ये दूसरा फ्रेज होगा। ठीक है, नीसा धानी सा, पहला फ्रेज नीसा धानी रे, दूसरा फ्रेज, और उसके बाद फिर तीसरी बार में नीसा धानी सा, तीसरी बार में फिर हमारा वही फ्रेज आएगा जो फर्स्ट में आएगा नीसा धानी सा, और उसके बाद नी रे सा गा रे पा मगर सा, नी रे सा गा रे पा मगर सा, और उसके बाद फिर हमारा वही फ्रेज नी सा धनी सा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चारों फ्रेज बजेंगे। फिर से आप एक बार देखिए, मैं और स्लो में थोड़ा बजाकर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है अंतरा। अंतरा की भी फर्स्ट लाइन पहले मैं आपको गा करके बताता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इरादा था करके मोहब्बत का लेकिन, ये अंतरा की हमारी फर्स्ट लाइन है। इरादा था करके मोहब्बत का लेकिन, इसका सरगम इरादा था, सबसे पहले इरादा था, इरादा था गा गा पा पा पा। ठीक है, जैसे मैं आपको सरगम को गाकर बताता हूँ, आप भी जब इसको गजल को तैयार करेंगे तो सबसे पहले सरगम को गाएं और फिर बोल को गाएं। जैसे गा गा पा 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 इरादा था करके करके पा पामा, करके पा पामा मोहब्बत का, मोहब्बत का मामा धानी, मोहब्बत का मामा धानी लेकिन लेकिन पानी धापा, लेकिन पानी धापा, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, और उसके बाद परे दे तबस्सुम में फिर आ गए हम। ठीक है, ये लाइन आएगी। अब इसको देखते हैं, परे दे
मा मा मा, तीन बार परे दे मा मा मा, तबस्सुम में मा 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 मा, परे दे में तीन बार माँ आएगा और तबस्सुम में चार बार माँ आएगा, ठीक है। परे दे तबस्सुम में फिर आ पा पा, फिर आ पा पा, गए हम गारे सा सा, गए हम। यहाँ पे हम सिंगल सा को भी ले सकते हैं, उसको थोड़ा हम वेट करेंगे तो हमारा सेकंड सा भर जाएगा, और चाहे तो हम डबल भी ले सकते हैं, फिर आ गए हम, ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं। अब इन दोनों लाइनों को एक साथ देखते हैं। इरादा था करके मोहब्बत कर, लेकिन परे दे तबस्सुम में फिर आ गए हम। इस तरह हमारी ये दोनों लाइनें आएंगी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आगे। इसके बाद एक छोटा सा म्यूजिक आता है, बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। इस तरह से वो वाइब्रेशन में, सॉरी, कॉर्ड में चलता है। और इसमें गज़ल में कॉर्ड एक्चुअली बहुत अधिक प्रयोग किए जाते हैं, और कॉर्ड को हम सही तरह से जब ही बजा पाएंगे जब हमारे हाथ में बहुत अच्छी स्पीड होती है और हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है गाने का, तभी हम कॉर्ड को बजा सकते हैं। नहीं तो कॉर्ड लगाएंगे तो वो कॉर्ड उस चीज़ से उस तरह से नहीं लगेंगे। अब म्यूजिक क्या है? पा 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 पा, गरे गा गा, रे सरे रे सनी सा, पा पा गर गा गा, रे सरे रे सनी सा। ये इतना ही म्यूजिक आएगा और उसके बाद में फिर हमारी वही लाइन आ जाएगी। इरादा था करके, इसके बाद जो हमारी लाइन आएगी वो थोड़ा आलाप नुमा है, मैं उसको बहुत ही स्लो में बताऊंगा, आप ध्यान से समझें। इरादा, ये एक फ्रेज आएगा पहले, इरादा आ आ, यहाँ पे ध्यान देना है, जो पहला आलाप है वो होगा, आलाप क्या होगा? इरादा आ आ, फिर हमारा ये म्यूजिक आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी लाइन आएगी उसको आपको और ध्यान से देखना है, क्योंकि उसमें हमारा आलाप होगा, ठीक है। आलाप क्या होगा? इरादा आ आ, फिर हमारा ये सर म्यूजिक आ जाएगा उसके साथ टच में, ठीक है। तो अभी आइए इसका सरगम देखते हैं। इरादा, सबसे पहले इसका सरगम, इरादा रे गा गा मा गा, इरादा रे गा गा मा गा, और उसके बाद आलाप आ, पहला आलाप इस तरह से होगा आ, और दूसरा इस तरह, ठीक है। तो इसका सरगम क्या होगा? इरादा रे गा गा मा गा गा मा पा, पहले आलाप का जो हमारा सरगम होगा वो होगा गा मा पा, और दूसरे का पा धा नी सा, पा धा नी सा, नी धा मा गा रे सा, सॉरी धा पा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा धा पा, और फिर हमारा म्यूजिक नीसा धनी सा, नीसा धनी सा,
सेकेंड वाला आलाप फिर से आप देखें, पधनी सा निधा मगरे सा धा पा निसा धनी सा। इतना बजने के बाद में फिर हमारी वही लाइन आ जाएगी, इरादा था करके मोहब्बत कर लेकिन परदे तबस्सुम में फिर आ गए हम। इसका सरगम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो उसके सरगम की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप फर्स्ट लाइन बजा लेंगे तो बाद में आलाप लेने के बाद फिर हमारा यही बजेगा, और उसके बाद में हमारी अगली लाइन आती है, अभी अभी खा के ठोकर, अभी खा के ठोकर पामा रेसा नीरेसा नीधा, पामा रेसा नीरेसा नीधा, अब अभी खा के ठोकर, ठीक है। संभलने न पाए पूरी लाइन, अभी अभी खा के ठोकर संभलने न पाए, संभलने धानी सा संभलने न पाए मा गम मामा सॉरी मा गम गागा, ठीक है। फिर से देख लें आप इसका सरगम, अभी खा के ठोकर पामा रेसा नीरेसा नीधा, संभलने संभलने धनी सा न पाए म गम गागा। और उसके बाद जो अगली लाइन आएगी, के फिर खाई ठोकर संभलते संभलते, के फिर मा माधा, के फिर मा माधा खा खाई खाई प खाई धनी सा नी खाई में हमारा सरगम आएगा धनी सा नी, के फिर खाई ठोकर पा गरे ठोकर पा गरे संभलते संभलते गरे गरे सा 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 गरे गरे सा सा सा। इस तरह हमारा ये पूरा अंतरा भी बजेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्थाई को आप तैयार कर चुके हैं, अब इस तरह से अंतरा को धीरे धीरे तैयार करना है, ठीक है। और ये गज़ल जो है, ये गज़ल का कोई भी गीत है उसको सबसे पहले हमें उसका फॉर्मेट तैयार करना चाहिए, और फिर उसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उसमें निखार आता जाएगा। एक बार में या दो बार में या चार बार में निखार नहीं आता, निखार आप जब कम से कम किसी एक गीत को 100-200 बार कंटिन्यू बजाएंगे तब उसमें निखार आता है। और निखार इसलिए आता है क्योंकि तब तक हमारे हाथ में अच्छा खासा बैलेंस आ जाता है उस गीत का, कि हमें रीढ़ को दबाना कितना है, कहाँ पे रीढ़ को पोला रखना है, कहाँ पे हमें कण लेना है, कहाँ पे कॉर्ड में लेना, ये सारी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं, ठीक है। तो इसको जितना आप बजाएंगे उतना बढ़िया आएगा। तो ये था हमारा अंतरा, इसको अब अच्छे से खूब प्रैक्टिस करें और खूब मेहनत करें ताकि आप अच्छा कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।